दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आज हम जो भी लाइट्रेट किए हैं वो लाइट्रेट का रेजर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैंने मेरे मेंबर के साथ सारी ट्रेड कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मैंने ऑलरेडी क्लासरूम ट्रेडिंग वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, क्लासरूम ट्रेडिंग वीडियो के लिए यहाँ पे आपको ट्रेड विद मी ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब एक बार आप ट्रेड विद मी ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है ये वीडियो का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए, मैं लाइव मार्केट में जैसे ट्रेड कर रहा हूँ आपको ट्रेड का एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मिलेगा। मैंने सारे क्लासरूम का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको ट्रेड विद मी ग्रुप पे ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो ट्रेड विद मी का ग्रुप है इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मैंने एक बार आपको मेरी पोजीशन शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको 1035 रुपीस के आसपास आपको प्रॉफिट दिखेगा। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अभी देखिए इनएक्टिव मोड पे आपको दिखेगा। इनएक्टिव मोड पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल शेयर किया था। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो कल के वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 15,250 का कॉल एंड 14,650 का पुट के ऊपर, सॉरी 14,600 का पुट के ऊपर हम ये एसटीपीटी का पोजीशन बनाए थे। और ये एसटीपीटी पोजीशन के ऊपर मैंने 1,000 रुपीज के आसपास आज का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और दोस्तों, बेसिकली आज हमको जो स्ट्रैटेजी बनाना था 15,050 के ऊपर हम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे रूल के हिसाब से हमको एंट्री नहीं आया है। और देखिए दोस्तों, रूल के हिसाब से अगर एंट्री नहीं आता है तो हमको उसी दिन और काम नहीं करना है। तो जनरली 12 बजे के अंदर हम देखते हैं, अगर एंट्री आता है तो हम पोजिशन बनाते हैं। अगर 12 बजे तक हमको एंट्री नहीं आता है तो उसी दिन हम हमारा कोई भी पोजीशन नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा और कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा। मैंने 320 के आसपास दोबारा जो एसटीपीटी का कॉल है, एसटीपीटी का कॉल पे मैंने पोजीशन बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, एक बार मार्केट बंद हो जाए, मतलब 330 के बाद आज का मार्केट का मूवमेंट कैसा था, हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके डिटेल्स पे जानेंगे। तो एक बार मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट का मूवमेंट समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद मार्केट पे सीख के काम करना चाहते हो, डिसिप्लिन वे पे एक इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये क्लासरूम ट्रेडिंग का वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम ट्रेडिंग वीडियो पे मार्केट पे कैसे कैसे काम किया जाता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का मूवमेंट कैसे जानना है, मैंने डिटेल्स पे क्लासरूम वीडियो के अंदर बताया है। तो आप ये क्लासरूम वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए हम एक बार वेट करते हैं, एसटीपीटी कॉल लेने के बाद मार्केट जब क्लोज हो जाएगा मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आज का मार्केट का मूवमेंट कैसा था आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट आज बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया है। तो लगभग 330 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट आ चुका है। और देखिए टाइमिंग अभी 3:12 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमारी रूल के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से मुझे एंट्री नहीं आया था, इसीलिए आज मैंने एंट्री नहीं किया। लेकिन आज मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, मैंने आपको बताऊंगा किसी किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम एसटीपीटी के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह ये जो प्रॉफिट मैंने बुक किया था 1,000 रुपीज के आसपास एसटीपीटी के ऊपर मैंने प्रॉफिट बुक किया था। और उसके बाद देखिए, आज एंटर डे पे कोई भी पोजीशन मैंने नहीं लिया है। तो और 5 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा किसके ऊपर हमको एसटीपीटी का पोजीशन बनाना है। देखिए दोस्तों, मार्केट कितना भी मूव करे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके जाना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन में आपका कभी भी पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप प्रॉपर पेशेंस के साथ काम करोगे तो देखिए नेट नेट आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, ये जो भी एसटीपीटी का ट्रेड है मेरी मेंबर के साथ एसटीपीटी का ट्रेड लेता हूं। देखिए, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट लाइव मार्केट पे काम करना है तो ये ज्वाइन बटन के अंदर क्लिक करके जो ट्रेड विद मी ग्रुप है, ये ट्रेड विद मी ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास आएगा,
उसके बाद हम हमारी पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मार्केट अनएक्सेप्शनली इतना तेजी से ऊपर की तरफ आया है, तो 50,000 to 40,000 रेंज के आसपास मार्केट आ चुका है। तो देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आ चुका है, तो और 5 मिनट के आसपास वेट करते हैं, उसके बाद किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे हम पोजीशन बनाएंगे वो अपडेट करूंगा। तो देखिए हमको 15,600 का कॉल एंड 14,950 का पुट के ऊपर हमारी पोजीशन बनाना है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर मेरी पोजीशन बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने मेरे ग्रुप पे भी अपडेट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने मेरे ग्रुप पे भी अपडेट कर लिया है। तो देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हम बेसिकली कल सुबह सुबह 9:15 9:16 के आसपास ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे। दोस्तों देखिए अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो अराउंड 15,245 लेवल के आसपास ये सेटलमेंट हुआ है। एक्चुअल जो क्लोजिंग था 15,000 to 40,000 रेंज के आसपास आ रहा था, तो और 5 पॉइंट ऊपर लेवल के आसपास देखिए इसका क्लोजिंग आया है, सेटलमेंट 15,245 पे आया है। तो चलिए एक बार आज का मार्केट का मूवमेंट का टेक्निकल एनालिसिस करके समझते हैं आज मार्केट कैसे मूवमेंट दिया है। तो देखिए दोस्तों मार्केट आज गैप ओपनिंग दिया था, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये गैप ओपनिंग देखने के लिए मिला था। तो देखिए 100 पॉइंट आसपास ये गैप ओपनिंग देखने के बाद इसी लेवल से हमको सेलिंग देखने के लिए मिला, तो ये 15,066 67 लेवल के आसपास इसी लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिला, तो अराउंड 50 पॉइंट 50 टू 60 पॉइंट के आसपास देखिए गिरावट देखने के लिए मिला, तो अराउंड 15,000 लेवल के आसपास इस पे आज सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था। तो देखिए 15,000 लेवल के आसपास ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल भी था, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल से अगर आप मूविंग एवरेज लाइन को देखोगे तो बेसिकली 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किया है, 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए आज अगर दिन भर आप देखोगे ये मूविंग एवरेज कभी भी क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आया है। ये देखिए किसी टाइम पे इस पे साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज था 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर हमेशा ट्रेड करता था। और देखिए ये लेवल्स के बाद हमारा सेकेंड टाइम जो सेकेंड फेज था, सेकेंड फेज मार्केट का ऑफ ट्रेंड शुरू हुआ, और इसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉज आया था, और ये लेवल के आसपास भी अगर आप देखोगे ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद थर्ड टाइम के लिए देखिए ये लेवल से भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों मार्केट आज 3 फेज पे मूव किया है। फर्स्ट जो फेज था, फर्स्ट फेज पे एक अप एंड डाउन देखने के लिए मिला, और उसके बाद सेकेंड फेज पे स्ट्रेट अपवर्ड मूव और थर्ड फेज पे स्ट्रेट अपवर्ड मूव हमको देखने के लिए मिल रहा था। अगर आप आवरली चार्ट के ऊपर इसको एनालिसिस करके देखोगे तो दोस्तों मार्केट अभी उसका जो रेंज है, ये देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई रेंज के आसपास तैयारी कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल था, स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल 15,175 लेवल के आसपास आ रहा था, क्योंकि देखिए ये लेवल के आसपास जो अभी भी मार्केट आया है मार्केट पे रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, और ये डबल टॉप लेवल के आसपास प्रीवियस टाइम ये डबल टॉप लेवल फॉर्म करके इसी लेवल से एक सेलिंग का पैटर्न फॉर्म किया था। और दोस्तों मार्केट जो 14,650 रेंज के आसपास आया था, इसी रेंज के आसपास आने के बाद मैं आपको बताया था ये बाइंग का लेवल है, और इसी लेवल से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों ये लेवल से क्लियर कट ये देखिए एक डब्ल्यू टाइप का शेप अभी फॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया था, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया था, और अभी धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो लेवल है इसको 15,400 420 रेंज के आसपास लेके जाने के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों भले ही मार्केट एक दो दिन के अंदर ये लेवल के आसपास आ सकता है, लेकिन दोस्तों का मेजर चांस है का मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा, तो एक ऊपर नीचे से एक मूवमेंट होगा, और ये ऊपर नीचे मूवमेंट करके कल का जो टाइम वैल्यू है ये टाइम डीके होगा, और उसके बाद फ्राइडे को हो सके ये अप मूव हमको देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों कल एक्सपायरी है, इसीलिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मार्केट का मूवमेंट को समझ के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का मार्केट का मूवमेंट। और देखिए मार्केट का मूवमेंट अभी क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन पे जाने के लिए सिग्नल दे रहा है, और ये डेली चार्ट के ऊपर भी देखिए डब्लू टाइप का शेप फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद थोड़ा बहुत पॉज हमको देखने के लिए मिलेगा।